वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, मेरी मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गई है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, आप कितना भी करो। हेलो फ्रेंड। तो जब हमारे लोग को कपड़ा सरियाना होता है तब हमें पता चलता है हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, और जब खरीदना होता है और कहीं पार्टी में जाना होता है तब लगता है हमारे पास कपड़े ही नहीं है फ्रेंड। तो अभी देखिए, मुझे ऊपर में भी सभी को सरियाना है और नीचे भी आज मैंने पूरे को अच्छे से अरेंज करना है। साड़ी का अलग कॉलम बनाना है, नाइटी का अलग, कुर्ती का अलग, टी शर्ट टॉप का अलग, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो गए हैं कि कभी कभी मुझे ढूंढने में टाइम लग जा रहा है। तो फ्रेंड, मैं आज सुबह सुबह सोची बच्चों को भेज के मैं ये काम कर लूँगी। और ये वाला भी कपड़ा मैं ना धो धो के रखी हूँ, ये भी उजराया हुआ है। तो ये देखिए इधर है, अभी इतना मुझे और सरियाना है फ्रेंड। तो ये सबके साथ, हम लेडीज़ के साथ, सभी के साथ प्रॉब्लम है। अगर कहीं जाना हो तो कपड़े ही नहीं हैं, और जब कहीं जाना हो तो कपड़े ही नहीं हैं, और जब सरियाना हो तो बहुत सारे कपड़े हैं। तो किन किन के साथ ऐसा होता है बताइएगा जरूर कमेंट में। तो अभी मैं सभी को अरेंज कर लेती हूँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे कपड़े में, और मैं ना थोड़ा आजकल थोड़ा सा क्या हो गया कि अच्छे से अरेंज ही नहीं कर रही हूँ। पहले मेरे साथ ठीक था, मैं सबको अच्छे से अरेंज करके रखती थी, सभी को अपने काउंटर टॉप पर ही रखती थी, सबका एक कॉलम बना ली थी, सबका मतलब अलग 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 सेक्शन था, तो मैं सबको एक अलग अलग पे ही रखती थी। अभी क्या है ना कि मैं सभी को जो डेली वेयर है कपड़े उसी में मिक्स कर दे रही हूँ, इस वजह से मेरे ना ये ज़्यादा थोड़ा सा होल झोल हो गया है। तो आज मैं सबको समेट के अलग अलग काउंटर बना लूँगी, और आज मैं पूरा दिन यही करूँगी फ्रेंड। आज ना छोड़ेंगे इसे, आज तो हम करके ही रहेंगे। और इतनी गर्मी हो रही है हमारे यहाँ कि आपको मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मुझे इतने सारे कपड़े भी प्रेस करने हैं ना, तो अब मैं सोच रही हूँ कि आज पूरा दिन कपड़ों को ही दे देती हूँ, ताकि मेरा ये कपड़े वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा सही हो जाए। यह लिया है, इस साइड मैंने साड़ी रख दी है, यहाँ पे डेली वेयर कुर्ती है, इधर नाइटी है। तो मैंने इसको आज तो अरेंज कर लिया है, और अभी मुझे वो वाली भी अंदाज़ सही करनी है, क्योंकि कल रात को मुझे कहीं जाना था, मतलब घर के बगल में छोटी सी पार्टी थी, वहाँ जाने के टाइम मुझे कपड़े मिल नहीं रहे थे। मैंने आज सोचा मैं तो ऐसे सबको अरेंज करके ही रखती हूँ। देखिए बच्चों का यहाँ पे टी शर्ट वगैरह जो भी है वो बच्चों का इधर रख देती हूँ, और जो भी उनका अंडर गारमेंट हो वो सब यहाँ रखती हूँ। और यहाँ पे सिर्फ बच्चों का काउंटर है और मेरा काउंटर उधर है, कुछ ज़्यादा ही काउंटर भरा हुआ है। और अभी मुझे और भी समेटना है फ्रेंड। तो फ्रेंड, उस रूम की अलमारी तो क्लीन हो गई, तो मैं सोची अब गोदरेज को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर काम करने लगोगे तो आपको खुद लगेगा ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और नहीं करोगे तो आसकत लगा रहता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता, तो मैं सोची आज अगर कर रही हूँ तो इसे भी पूरा क्लीन कर ही लेती हूँ। तो इसी चक्कर में मेरा गोदरेज भी क्लीन हो गया और देखने से बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी फ्रेंड। इधर भी मैंने सरियाया है, आज मैं सुबह से कपड़े में ही लगी हूँ। देखिए ये भी मैंने सरिया लिया, इसमें मैं बेडशीट वगैरह रखती हूँ, तो यहाँ पे सारा बेडशीट वगैरह का काउंटर बना दिया है, पहले भी था इसी में मैं रखती थी। तो ये भी इसमें भी हैंकी ही है फ्रेंड बहुत सारा, मतलब इधर जब भी हम लोग यहाँ जहाँ कपड़े खरीदते हैं ना तो यहाँ पे हैंकी दे देते हैं। तो और ये वाला सूट मुझे बनाना है, मैं अभी तक नहीं बनाई हूँ, और इसमें मैं सारे सूट्स और जीन्स टॉप और प्रेस किए हुए कुछ कपड़े हैं, शर्ट पैंट, वो रख दी हूँ। तो आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही बीत गया फ्रेंड, और कुछ भी मतलब ऐसा सूट नहीं कर पाई हूँ। और गोदरेज में आप देखिए मैंने इधर सारे पर्स रखे हुए हैं, मेरे पास ज़्यादा पर्स के कलेक्शन नहीं है क्योंकि मैं कहीं जाती तो हूँ नहीं। तो ये देखिए हमारा गोदरेज, यहाँ पे मैं बिल्कुल साड़ी वगैरह रख दी हूँ, इसमें मैं जितने भी चूड़ी और नेकलेस वगैरह जो है इसमें डाल दी हूँ, और ऊपर में वैसे ही कपड़े रखे हुए हैं। और यहाँ जो नॉर्मल साड़ियाँ हैं जो डेली यूज में पहनती हूँ वो है। तो और ये वाला ब्लाउज मैं देखिए बनवाई हूँ सूट के कपड़े से, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये सूट का कपड़ा से मैं बनवाई हूँ, सूट का कपड़ा बच गया था तो उससे मैं बनवाई हूँ। तो आज तो पूरा अभी घर आप देखिए बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है, नीचे भी बहुत सारा सामान है जो कचड़े वगैरह है वो सब है। तो अभी सबको मुझे समेटना है, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और इधर भी बहुत सारा गंदा हुआ है, नीचे रखा है, तो ये सब समेट लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
दोस्तों, मैं थक इतनी गई हूँ और मुझे भूख भी लग गई है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए तरबूज कट कर लेती हूँ और पापा को भी दे दूँगी, क्योंकि पूजा भी करना है तो फ्रूट खाकर पूजा कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं पनीर ली हूँ, तो पनीर को मैंने पानी में कटोरे में डिप करके छोड़ दूँगी, ताकि ना पनीर सॉफ्ट रहे, नहीं तो इस बिना पानी में करके रखने से पनीर हार्ड हो जाता है। और मैंने खाना भी चढ़ा दिया है, तो नहाने के बाद काम करने का आज दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया तो था। तो अब मैं कपड़े भी यहीं पे डाल दूंगी आंगन में हैंगर में कर कर के, और इस तरह झाड़ कर कपड़े देने से ना कपड़े बिल्कुल सीधे रहते हैं, इसमें कोई सिलवट नहीं आती है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। आप हिम्मत नहीं कर सकते हो कि छत पे जाओगे। तो आज तो मेरा इतना लेट है हो गया है फ्रेंड कि आपको मैं बता नहीं सकती। तो मेरा खाना बन गया है, तो ये देखिए चावल बना रही हूँ और वही कढ़ौरी बनाई हूँ, आलू का चोखा बस दबाना फोड़ना है, मैंने चोखा बनाना और इधर सब्जी। तो आज मैं पूरा गोदरेज के चक्कर में मेरा इतना लेट हो गया, और फिर इस रूम का बेडशीट वगैरह चेंज करना था, तो ये सब की अभी बेडशीट धुला भी नहीं है, कल धुलूंगी। वो थक गई थी आज फ्रेंड। फ्रेंड ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ढेर सारा कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड बज गए हैं 12, मैं इतनी थक गई हूँ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अभी बच्चे तो आए नहीं हैं, तो मैं भी कुछ खा लेती हूँ और उसके बाद फिर एडिटिंग करूँगी, जो आज का ब्लॉग है उसी का एडिटिंग करूँगी, तो आप लोग कल उसे देखोगे। तो हो सके तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट ढेर सारा कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।